इस्लामाबाद जाने का है। हैदराबाद इस्लामाबाद मुझे फुटबॉल बनाओ। इस्लामाबाद नहीं जाने है, हैदराबाद जाने। बाबा मुझे वो धुएं वाले बिस्किट खिलाओ। धुएं वाले स्मोक अगर हुए तो जरूर खिलाऊंगा। ये हमारे घर में एक और दो रुपए के नोट थे। ये जब पहले एक और दो रुपए के नोट हुआ करते थे पुराने तो, जमाने में। पुराने जमाने में अभी तो ये नहीं है ना। नहीं अभी तो सिक्के हो गए हैं। अभी सिक्के हैं। जब हम छोटे थे ना तो ये नोट हुआ करते थे। अच्छा देखो इसमें लिखा भी है 1 रुपया हुकूमत पाकिस्तान। ये है BRT की साइकिलें। ये तो सही पेरिस है। पेरिस पेरिस आगे है। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मगरब की पढ़ते हैं नमाज और इस मस्जिद में हम अभी पढ़ेंगे नमाज। और ये भी ज़ेरे तामीर है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी हम एंटर हो रहे हैं पेरिस फूड स्ट्रीट में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और यहाँ पर फूड के काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स हैं। तो हमें तो ऐसी फील हो रहा है कि जैसे पेरिस की किसी फूड स्ट्रीट में घूम रहे हों। सिर्फ घूम रहे हैं कि नहीं कुछ खाएंगे पियेंगे भी। देखो यहाँ पर क्या है, चिकन बोटी, मलाई बोटी और पता नहीं कौन कौन सी बोटियाँ, चिकन पीसेस वगैरह। ये लो दावाला सही शो। बाबू वेफर खत्म हो गया। स्मोक वेफर? हाँ। जी बेटा स्मोक वेफर यहाँ पर अब नहीं है, पहले होता था यार। स्मोक वेफर पहले होता था, अब नहीं है। और चूंकि मुहर्रमुल हराम है इस वजह से ज़्यादा रश या ज़्यादा गहमा गहमी नहीं है। मेरे प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा अफनान को मैंने खिलाए थे गोलगप्पे निसराबाद में, तो अभी यहाँ पर ये कहता है मुझे गोलगप्पे खिलाओ। गोलगप्पे आपको बहुत पसंद है। मैं थोड़े खाए थे। थोड़े खाए थे, दो प्लेटें खाई थी, दो प्लेट चार दाने इसने खाए थे। अच्छा सिर्फ चार गोलगप्पे खाए थे। और क्या आपने नाम लिया था गोलगप्पों का? गोलबक्का। ये आपके आ गए हैं गोलबक्के। वाह 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 वाह, एक मुझे भी लोया गोलबक्का। ये है जी गोलबक्का। जान निसराबाद वाले से अच्छा है, वाकई निसराबाद वाले से अच्छा है। ये पानी भी ज़्यादा खट्टा नहीं है। वाह माशाल्लाह गोलगप्पे आपके ज़बरदस्त थे, ताज़े भी थे, फ्रेश भी थे, और जो चटनी थी ना वो भी बड़ी मज़े की थी। शुक्रिया। और चूंकि अगस्त का महीना है तो झंडे आपको पाकिस्तानी फ्लैग हर जगह नज़र आएंगे। ये जश्न आज़ादी है? नहीं जश्न आज़ादी है ना, इसलिए आपने झंडे रखे हुए हैं। एक आपसे पूछता हूँ, कुछ पूछ लूँ आपसे? ये पूछना है कि जश्न आज़ादी है
जी। तो आपने ये पाकिस्तानी झंडे और मुख्तलिफ चीजें रखी हुई हैं, लेकिन पीटीआई का झंडा क्यों रखा है? बस लोग मांगते हैं इसलिए रखा है। पीटीआई का झंडा भी लोग मांगते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो ये मैंने हर जगह देखा है, हालांकि जश्न आज़ादी है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी झंडे के साथ साथ आपको पीटीआई का झंडा भी नजर आएगा, क्योंकि लोगों की डिमांड है। पूछो ना, 250 का? क्यों हमारे कान मगज खाते हो हैं अफनान? ये लेना है, 150 हमारा मगज खाना है आपने? ये नहीं, अच्छा अगर आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ स्पेशली निकलते हैं, तो जो चीज़ भी इनको नज़र आएगी, चाहे झंडे हों, खाना पीना हो, तो वो कहेंगे ये भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, ये भी लेते हैं, वो भी लेते हैं। घूमे फिरे और खाए पिए ना, तो फिर घूमने फिरने का मज़ा क्या है? शुक्र करो कि पाकिस्तान में और पिशावर में मैं आपको पेरिस के नज़ारे करवा रहा हूँ। हाँ ये बात तो है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो जश्न आज़ादी। घर पहुंच चुके हैं, और एक तो पता नहीं मैंने कहा कि नहीं कहा, जो भी मेरी ये वीडियो देखे, वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, इतनी सपोर्ट तो आप कर सकते हैं। तो अभी पढ़ता हूँ इशा की नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज अदा कर चुका हूँ। पानी दो मुझे मिट्टी के बाउल में। मिट्टी के बाउल में पानी पीने का भी अपना ही मज़ा है। रास्ते में आयान और अफ़नान ने मुझे कहा कि बाबा भूख भी लगी है, तो फिर हमने सलमान पिज़्ज़ा से उनका पिज़्ज़ा ट्राई किया है। दलाज़ाक रोड पे इनका ये न्यू सेटअप है। पिज़्ज़ा काफ़ी मज़े का था और काफ़ी हमने इंजॉय किया है, और उसके बाद फिर हमारी वापसी हुई है। पिज़्ज़ा के अलावा हमने पेशावर की जो कराची बिरयानी है वो खाई, उसका कितना हमें मज़ा आया। ये बात भी सही है जी, बिल्कुल हमने कराची पर यानी पिशावर में खाई है। और उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। बस मुझे आप लोगों की इतनी सपोर्ट चाहिए कि जो भी मेरा ये व्लॉग देखे, लाइक को आप ज़रूर दबा दिया कीजिए, इतनी सपोर्ट तो आप कर सकते हैं। इसी दुआ के साथ अपना और दूसरों का खास ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हम भी इस व्लॉग में थे, हमारी तरफ से भी खुदा हाफिज़। क्यों मैं नहीं थे इस व्लॉग में? हमारी मेरी तरफ से भी इस व्लॉग को खुदा हाफिज़।